बिल्लू का आविष्कार। एक दिन बिल्लू साइंस लैब में। यूरेका, क्या बात है? जोजी, मैंने एक ऐसी दवाई खोज निकाली है जिसको पीने से आधे घंटे के लिए आदमी में हाथी के ताकत के बराबर शक्ति आ जाती है। बजरंगी पहलवान जो उधर से गुजर रहा होता है ये बात सुन लेता है। बिल्लू, ये दवाई मुझे दो, मैंने हैदर पहलवान को हराना है। मगर बजरंगी पहलवान, इसका असर आधे घंटे तक ही रहता है। मैं उस हैदर को 5 मिनट में ही धूल चटा दूंगा। बजरंगी वो दवाई पी लेता है। बिल्लू और बजरंगी, तुमने दवाई पी ली, आजमाइश के लिए इस खंबे को मुक्का मारो। बजरंगी एक जोरदार मुक्का उस खंबे पर मारता है और खंबे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सचमुच अद्भुत ताकत, हुर्रे, मैं दुनिया का सबसे बलवान आदमी हूँ। हैदर पहलवान के घर के आगे। हैदर पहलवान, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, बाहर निकलो और मुझसे लड़ो। गीदड़, बाहर क्यों नहीं आते? घर के अंदर हैदर पहलवान। दरवाजे में ताला लगा है, मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ। काफी देर के बाद चाबी मिल गई, कमीज की जेब में थी। हैदर पहलवान दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? बजरंगी, आधा घंटा बीत चुका, दवाई का असर खत्म हो गया है? और फिर हैदर पहलवान बजरंगी को हाथों हाथ ले लेता है। हाय, ओए, मर गया रे। कुछ देर के बाद आए। बिल्लू और सुहाना मौसम। एक दिन बिल्लू और ताऊजी। आह, गर्मी, ऊपर से ये बिजली गुल। बिल्लू, लगता है सूरज दिल्ली में रॉक एंड रोल कर रहा है, क्यों ना हम पहाड़ पर चलें? ताऊजी, यहाँ हम दो हैं, अगर दोनों पहाड़ पर चले गए तो पीछे से इस घर की रखवाली कौन करेगा? इसलिए एक पहाड़ पर जाए, दूसरा यहीं शहर में रहे। मैं पहाड़ पर जाऊंगा। मैं भी वहां जाना चाहूंगा। लॉटरी से फैसला कर लेते हैं। मेरी एक मुट्ठी में सिक्का बंद है, दूसरी खाली है। अगर तुम बता दो कि खाली मुट्ठी कौन सी है तो पहाड़ पर तुम जाओगे, नहीं तो मैं वहां जाऊंगा। दाई मुट्ठी खाली है। ताऊ जी अपनी मुट्ठी खोलते हैं। तुम हारे, दाई से सिक्का निकला, अब तुम यहीं शहर में रहोगे। ताऊ जी घर के बाहर। वैसे बिल्लू की हार निश्चित थी, मेरी दोनों मुट्ठियों में सिक्के थे। ताऊ जी हिल स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। मैं चला पहाड़ पर, वहाँ ठंडी हवा के झोंके मेरी राह देख रहे हैं। सुंदर पर्वतीय स्थान। वाह, क्या मनोरम दृश्य है, सचमुच घाटी का जीवन स्वर्ग है। तभी अचानक मौसम ने करवट बदली। ओह, तूफान और ओले। बिल्लू और ताऊजी। ताऊजी, आप वापस लौट आए? वहाँ ओलों की मार ने मेरा ये हाल कर दिया है। बिल्लू आए। बिल्लू और चमत्कारी छतरी। एक दिन रास्ते में। बच्चा, अज्ञानी हो इसीलिए मुझ पर हंस रहे हो। महाराज, अज्ञानी आप हैं जो इतनी छोटी छतरी ली है, अगर बारिश आ जाए तो ये आपको भीगने से कैसे बचाएगी? ये छतरी पानी से बचाने के लिए नहीं बल्कि पानी लाने के लिए है। इतना कहकर वो साधु छतरी को खोलता है। अचानक आकाश में
बादल उमड़ आते हैं और जोरदार बिजली कड़कती है और फिर चमत्कारी ढंग से झमाझम बारिश होने लगती है। जब तक ये छतरी खुली रहेगी पानी बरसता रहेगा। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं समझ गया, ये चमत्कारी छतरी है। मेरी इच्छा है कि ये समाज कल्याण के काम आए, जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पानी उपलब्ध हो। लेकिन मैं लाचार हूँ, दूर दूर तक जाने का साधन नहीं है। आप ये छतरी मुझे दीजिए, ये काम मैं करूँगा, मेरे पास स्कूटर है। ठीक है, वो साधु छतरी बिल्लू को दे देता है और बिल्लू अपने स्कूटर पर सवार होकर काम पर निकल पड़ता है। अब भारत में कोई जगह पानी से वंचित नहीं रहेगी। एक जगह पर कहो, गांव कैसा है? कई सालों से वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए हैं। ये सुनते ही बिल्लू तुरंत अपनी छतरी को खोल देता है। आज से तुम्हारे खेत हरे भरे हो जाएंगे। और फिर झमाझम पानी बरसने लगता है। पानी हमारे गांव में खुशहाली आएगी। बिल्लू अपना काम करके आगे चल देता है। बेटा, ये गांव तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा। एक दूसरी जगह पर श्रीमान, इस शहर का हाल कैसा है? आज कोई नहीं नहाया, नलों में पानी नहीं था। बिल्लू अपनी छतरी को दोबारा खोल देता है। फिक्र ना करो, अभी सब नहाएंगे। और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। वाह बारिश! तभी एक क्रिकेटर हाथ में बैट लिए बड़े गुस्से में वहां आता है। सुबह मौसम विभाग ने कहा था कि आज बारिश नहीं होगी, फिर पानी कैसे बरसा? इसकी वजह से। और उस बैट्समैन ने बिल्लू के चौके छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। मत मारे यार। कुछ देर के बाद तुमने हमारा खेल चौपट कर दिया, बारिश से मैदान में पानी भर गया है। हैं? बिल्लू की सॉफ्टी। एक दिन बिल्लू के घर पर, मम्मी मेरा पिगी बैंक काफी खनक रहा है, जरा इसकी चाबी देना। बिल्लू, पिगी बैंक के पैसों से तुम क्या खरीदोगे? ये तो खुलने पर ही निर्णय किया जाएगा, जितने पैसे निकलेंगे वैसी चीज खरीदी जाएगी। बिल्लू गुल्लक को उलटता है। आहा, काफी सिक्के निकल आए हैं। कुल 2 रुपए और 15 पैसे के सिक्के निकले। 2 रुपए मैंने ले लिए, 15 पैसे वापस डाल दिए। बिल्लू घर से बाहर चल देता है। अब तो बता दो बिल्लू, 2 रुपए की रेजगारी जो तुम जेब में डालकर ले जा रहे हो, उसका क्या लोगे? सॉफ्टी मम्मी। रास्ते में इस लड़के की जेब खनक रही है, काफी माल होगा। वो बदमाश दौड़कर पब्लिक फोन बूथ के पास जाता है। मैं झब्बू को फोन करता हूँ। हेलो झब्बू, काली बास्केट पहने एक लड़का तेरे घर के आगे से गुजरेगा, उसकी जेब में काफी माल है। झब्बू, फिक्र न करो उस्ताद शेखो, यहाँ से गुजरते ही मैं उसके सिर पर भारी तरबूज दे मारूंगा। जब तक वह संभले उसकी जेब साफ कर दूंगा। वाह रघु, अभी एक छोकरा काली बास्केट पहने इधर से गुजरा था, उसकी जेब काफी खनक रही थी, उसे लूटने का प्लान है। शेखो उस्ताद, उस लड़के की जेब में सिर्फ 2 रुपए की रेजगारी खनक रही है। मैं अभी उसके घर की तरफ से आ रहा हूँ, उसकी माँ यही कह रही थी। क्या, सिर्फ 2 रुपए की रेजगारी? शेखू तुरंत पब्लिक बूथ की ओर दौड़ लगाता है। झब्बू को फोन करना चाहिए कि वह 10 रुपए का तरबूज यूं ही बर्बाद ना करे। हेलो झब्बू, हेलो, लगता है उसका फोन खराब हो गया। शेखू वहाँ से उल्टे पांव भागता है। मुझे जाकर झब्बू को रोकना चाहिए कि वह तरबूज ना मारे। उधर झब्बू अपने घर के आगे से तरबूज मारने से उस नुक्कड़ पर छिपकर तरबूज मारना ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी को शक भी नहीं होगा।
तभी उसे बिल्लू आता दिखाई देता है। यह वही लड़का है काली वास्केट पहने हुए, जिसका उस्ताद ने फोन पर जिक्र किया था। जेब भी खनक रही है। बस इस नुक्कड़ पर आते ही ये तरबूज उसके सिर पे दे मारूंगा। इधर शेखू दौड़ता हुआ आता है और बिल्लू से आगे निकल जाता है। शुक्र है मैं तेज भाग कर आया, अब तरबूज को बर्बाद होने से बचा लूंगा। किसी की आहट सुन झब्बू तैयार हो जाता है और सामने आते ही आगंतुक के सिर पर तरबूज दे मारता है। अरे शेखो उस्ताद तुम? सारा गुड़ गोबर हो गया। उधर बिल्लू, एक सॉफ्टी लो, 2 रुपए की सारी रेजगारी है। बड़े दिनों से सॉफ्टी नहीं खाई थी, आज मुराद पूरी होने वाली है। सॉफ्टी को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ए इधर लाइए सॉफ्टी, वरना हॉकी का एक पेनल्टी स्ट्रोक रसीद करता हूँ। अगर सॉफ्टी मुझे ना दी तो मैं तुम्हें सीधा कवर ड्राइव कर दूंगा। दोस्तों बड़ी विकट समस्या है, सॉफ्टी है एक और तलबगार दो। पहले आपस में तुम फैसला कर लो कि सॉफ्टी कौन खाएगा। ये सुनते ही वो दोनों आपस में उलझ जाते हैं। मैं दर्जनों गोल डाल चुका हूँ, गनीमत इसी में है कि तू भी यहाँ से गोल हो जा। मैं 100 के सिर फोड़ कर भी नॉट आउट हूँ, इसलिए 9-2-11 हो जा। और वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। तेरी ये हिम्मत तू? थोड़ी देर के बाद मैंने उसे सिल्ली मिडॉन पर फेंक दिया है, अब वो चू चपड़ नहीं करेगा। लाओ वो सॉफ्टी। सॉफ्टी वो तो मैंने खा ली। क्या? ये सुनकर लड़का सॉफ्टी कॉर्नर की तरफ चल देता है। अब मैं सॉफ्टी खाए बिना नहीं रह सकता, चाहे खरीद कर ही क्यों ना खानी पड़े। एक सॉफ्टी देना मुझे। अभी लो नट्टू। अरे बिल्लो मैंने तुझे सारी जगह ढूंढा और तू यहाँ खड़ा है। गद्दू एक सॉफ्टी मैं खा चुका हूँ, एक और खाने की तमन्ना है, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। क्या जेब में पैसे हैं? नहीं तो फिर कैसे खाएगा? देखते जाओ। आखिर सॉफ्टी मैंने हासिल कर ही ली, अब मैं इसे मजे से खाऊंगा। हाँ नट्टू मजे से खाओ, जिंदगी की आखिरी सॉफ्टी है। जिंदगी की आखिरी सॉफ्टी? मैं समझा नहीं। नट्टू ये तुम्हारे लिए जहर है। जहर? पता है ना जहर क्या होता है? जिसको खाने से आदमी मर जाए। ठीक नट्टू तुम मोटे हो, डॉक्टरों का कहना है कि मोटे आदमियों को घी या क्रीम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। सॉफ्टी भी क्रीम से बनती है, इसे खाते ही तुम्हें दौरा पड़ गया तो सब खत्म है। मैं ये जहर नहीं खाता, बिल्लू इसे तुम ले लो, तुम तो मोटे नहीं। पर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं। नट्टू बिल्लू को सॉफ्टी पकड़ा कर वहाँ से चल देता है। गब्दू अक्कल बड़ी या भैंस? बिल्लू और टूथपेस्ट हैं। एक दिन गब्दू के घर, रोजाना ब्रश करने से दांत मजबूत बनते हैं, हैं? टूथपेस्ट खत्म। आज दुकानों की साप्ताहिक छुट्टी है, बिल्लू के पास जाता हूँ। गब्दू बिल्लू के पास पहुँचता है। बिल्लू क्या थोड़ा टूथपेस्ट मेरे ब्रश पर डाल सकते हो? गब्दू मैं आयुर्वेदिक दंत मंजन करता हूँ, ये जड़ी बूटियों से बना है। मेरे पापा हर रोज आयुर्वेदिक मंजन करते हैं और उनके दांतों में आज तक कभी दर्द नहीं हुआ। तब तो मैं भी मंजन इस्तेमाल किया करूँगा, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? क्यों नहीं। और गब्दू वो मंजन लेकर वहाँ से चल देता है। धन्यवाद बिल्लू।
रास्ते में, जोजी तुम ये लकड़ी क्यों खा रही हो? गद्दू, मैं इससे दांत साफ कर रही हूँ, इसे दातुन कहते हैं। जोजी अपने परदादा की ओर इशारा करती है। मेरे परदादा 125 साल के हैं। है? वो हर रोज बबूल की दातुन करते हैं, उनका एक भी दांत नहीं टूटा। ये सुनकर गब्दू ब्रश और दंत मंजन को फेंक देता है। मैं मंजन और ब्रश फेंकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे दांत 125 वर्ष तक सलामत रहें, इसलिए मैं बबूल की दातुन करूँगा। गब्दू बबूल के पेड़ पर चढ़ने लगता है। इस पेड़ पर कांटे बहुत चुभ रहे हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कष्ट तो झेलना ही पड़ता है। गब्दू पेड़ पर चढ़कर एक शाख पर खड़ा हो जाता है। ये टहनी दातुन के लिए अच्छी रहेगी। पर तभी वो डाल जिस पर गब्दू खड़ा होता है वो टूट जाती है और गब्दू सीधा जमीन पर आ गिरता है। गब्दू और जोजी, कहो गब्दू, दातुन का कुछ असर हुआ? हाँ, मेरे दो दांत टूट गए। बिल्लू और टेप रिकॉर्डर। एक दिन बिल्लू के घर पर, बिल्लू सारा दिन टीवी पर क्रिकेट मैच और पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जीरो, क्रिकेट मैच देखना बिल्कुल बंद, मैं टीवी बंद किए देता हूँ। बिल्लू के पापा टीवी को बंद कर देते हैं। मगर पापा जी, मैंने किताबों का अध्ययन कर लिया है। देखते हैं तुम कितना अध्ययन कर चुके हो। एक प्रश्न लिखो, आर्य सभ्यता के बारे में क्या जानते हो? उनके समाज में चार मुख्य जातियाँ कौन कौन सी थी? बिल्लू के पापा मुड़ते हैं। अरे तुमने कॉपी में मेरा प्रश्न नहीं लिखा। पापा जी, मैंने आपका प्रश्न 21वीं शताब्दी की कॉपी यानी टेप रिकॉर्डर पर अंकित कर लिया है। आपने जो बोला वो बिना त्रुटि के इसमें रिकॉर्ड हो गया है, जवाब भी रिकॉर्ड कर दूंगा। अच्छा जरा सुनू, आर्य सभ्यता के बारे में क्या जानते हो? उनके समाज में चार मुख्य जातियाँ कौन कौन सी थी? वाह, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, इसमें फाउंटेन पेन और कागज की भी जरूरत नहीं, और लिखने के झंझट से भी छूटे। आने वाले सालों में टेप रिकॉर्डर स्कूलों में कागज की जगह ले लेगा। बिल्लू के पापा वहाँ से चल देते हैं। तुम जवाब रिकॉर्ड करो, तब तक मैं नहा कर और कपड़े बदल कर आता हूँ। बिल्लू, पापा जी गए, जवाब के साथ क्यों ना स्कोर भी सुन लिया जाए, किसको पता चलेगा। कपिल देव का छक्का। आधे घंटे के बाद क्या जवाब तैयार है? बिल्कुल। टेप चलाओ। प्रश्न का जवाब ये है, कुछ इतिहासकारों का मत है कि आर्य मध्य एशिया या दक्षिण पूर्व यूरोप से आए। कपिल देव का छक्का, भारत का स्कोर 310। आर्य पहले सप्त सिंधु के मैदानों में आकर बस गए। अरे गब्दू, तुम पता है इस बार कपिल देव जमकर खेल रहा है। ये तब का है जब मैं अंदर आया था। थोड़ी देर बाद, गब्दू इस टेप रिकॉर्डर को बेच आओ और जितने पैसे मिले उनसे मेरे लिए कॉपियां खरीद लाना। बिल्लू और कंक्रीट मिक्स। एक दिन बिल्लू के घर पर, बिल्लू आज तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? पापा जी इम्तिहान खत्म हो गए हैं, बेकार बैठा बोर हो रहा हूँ। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान क्यों ना कहीं कुछ काम ढूंढ लेते, मन लग जाएगा और जेब खर्च भी बनेगा। ये सुनकर बिल्लू घर से बाहर दौड़ लगा देता है। अच्छा ख्याल है। बिल्लू एक क्रॉकरी स्टोर्स पर पहुंचता है।
पिछले साल मैंने उस दुकान पर काम किया था, इस बार वह फिर मुझे नौकरी दे देंगे। स्टोर्स के अंदर, सॉरी हम तुम्हें नहीं रख सकते। पिछले साल तुमने चीनी की 15 प्लेटें, 11 कप और 9 ग्लास तोड़ दिए थे। बिल्लू निराश होकर वापस लौट जाता है। वह इतना खस्ता सामान रखते ही क्यों है? रास्ते में बिल्लू की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, वर्कर्स चाहिए, मैनेजर से मिलें। यहाँ नौकरी मिलने की उम्मीद है? ऑफिस के अंदर, क्या आपको वर्कर चाहिए? सोशल वर्कर। हमारी संस्था बिना लाभ के चलती है, हमें बिना वेतन के काम करने वाले नौजवान चाहिए। बिल्लू को वहाँ से भी लौटना पड़ता है। यहाँ भी काम नहीं बना। रास्ते में, वह इमारत बन रही है, वहाँ मुझे काम मिल सकता है। बिल्लू और ठेकेदार। ठेकेदार जी, कोई काम? कंक्रीट मिक्सचर का काम है, 20 रुपए रोजाना मिलेंगे। मंजूर है। मिक्स करने के बाद कंक्रीट को जमीन पर उड़ेल देना, जहाँ से मजदूर उसे उठाकर भवन निर्माण में प्रयोग करेंगे। समझ गया। बिल्लू अपना काम शुरू कर देता है। वाह, ये तो मेरी पसंद का काम है। कुछ दूरी पर बजरंगी पहलवान। बजरंगी पहलवान, टांग को क्या हो गया? एक कुश्ती में हड्डी टूट गई, प्लास्टर चढ़वाने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। बजरंगी और बिल्लू। मशीन में कंक्रीट मिक्स हो गया होगा, इसे उड़ेल देना चाहिए। और बिल्लू कंक्रीट को उड़ेल देता है। जाओ। जो सीधा बजरंगी के ऊपर गिरता है और फिर बजरंगी, मैंने देखा नहीं कि तुम गुजर रहे हो। ठेकेदार जी, पहलवान कंक्रीट मिक्स में फंस गया। नहीं निकल सकता, कंक्रीट मिक्स जमकर पत्थर हो गया है। ये सब इस चूहे के कारण हुआ, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। मैं जाकर किसी पत्थर काटने वाले को लाता हूँ। मेरा क्या होगा? थोड़ी देर के बाद, इधर आओ। सख कंक्रीट को काट कर उस व्यक्ति को आजाद कराना है। पत्थर काटने वाला अपने काम में जुट जाता है। इससे पहले कि पहलवान आजाद हो, मुझे यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए। कुछ देर के बाद सारा कंक्रीट कट गया, अब तुम आजाद हो। आहा, कंक्रीट मिक्स में मेरा पैर रहने से हड्डी जुड़ गई। अब मुझे डॉक्टर से प्लास्टर नहीं चढ़ाना पड़ेगा। दूसरे दिन बजरंगी बिल्लू को दबोच लेता है। बजरंगी, उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, जो मैंने कंक्रीट मिक्स तुम पर फेंका, माफ कर दो। बिल्लू, ये लो 50 रुपए, रेस्तरां में जाकर फास्ट फूड खाओ। तुम्हारी वजह से मेरी टांग ठीक हो गई। हैं? बिल्लू और बड़ा पटाखा। एक दिन बिल्लू और बजरंगी पहलवान। यस्ताद, इतना बड़ा पटाखा? बिल्लू, तुम मेरी टोकरी भरी आतिशबाजी ले लो और अपना बड़ा पटाखा मुझे दे दो। बिल्लू बजरंगी की बात मान लेता है। बजरंगी, मंजूर है। वह बड़ा पटाखा मेरा हो गया। बजरंगी और ढक्कन। यस्ताद, ये तो अंदर से खोखला है। कागज का नकली पटाखा किस काम का? मैं अपनी सारी आतिशबाजी वापस लूंगा। लेकिन सौदा तो हमने ही किया था उस्ताद। इधर बिल्लू। गद्दू, टेलीफोन की घंटी बजी, जरा अंदर जाकर फोन सुनना। बिल्लू, फोन पर कोई तुम्हें बुला रहा है। तरकीब कामयाब रही। मेरे जाते ही उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। वह बजरंगी का साथी होगा। देखो, पहलवान पीछे से हमारी आतिशबाजी लेकर भाग रहा है। बिल्लू हाथ में रॉकेट उठाता है। एक रॉकेट बच गया, इसे ही चलाया जाए।
बिल्लू रॉकेट को आग दिखाता है और रॉकेट हवा में उड़ जाता है और सीधा जाकर बजरंगी के पटाखों से भरी टोकरी में गिरता है और फिर बिल्लू के बूट। एक दिन बिल्लू और मोनू। दोस्त बड़े खुश नजर आ रहे हो। मोनू मेरे नए इंपोर्टेड जूते देखो। मेरे चाचा अमेरिका में रहते हैं, वह यह लेकर आए हैं। इन्हें पहनकर मैं अभी अपने सारे दोस्तों के पास जाऊंगा। मोनू वहां से चल देता है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे विशंबर के साथ लाइब्रेरी जाना है। इधर बिल्लू। ये मेरे पैरों के साइज के लगते हैं। तभी एक कुत्ता घर का दरवाजा खुला देख भीतर आ जाता है। अरे कुत्ता हमारे घर में घुसना चाहता है, कहीं ये दूध या ब्रेड ना खा जाए, इसे निकालना चाहिए। और बिल्लू अपने हाथ में थमा जूता कुत्ते पर दे मारता है। जूते की मार से सब रफू चक्कर हो जाते हैं। कुत्ता बिल्लू का बूट मुंह में दबाकर वहां से भाग लेता है। मेरा बूट? बिल्लू भी उसके पीछे दौड़ता है। कहां लिए जाते हो? कंबख्त को पकड़ना होगा। कुत्ता आगे आगे और बिल्लू पीछे पीछे। अगर वह एक बार हाथ आ जाए तो मैं इसे मार मार कर धून दूंगा। तभी वो कुत्ता एक जगह जाकर रुक जाता है। नट्टू वो कुत्ता मेरा जूता लिए जा रहा है। उसके मुंह में ये कैसे आया? मैंने ये फेंक कर मारा था। नट्टू बिल्लू को दबोच लेता है। हे? तुमने मेरे कुत्ते को मारा? आई, ओ, आहा, ओ, ओ, भाई गलती हो गई। कुछ देर के बाद पैर इतने दर्द कर रहे हैं कि बूट नहीं पहन सकूंगा। हाय। बिल्लू और चिड़ी मार। एक दिन बिल्लू और गब्दू। गब्दू देखो पिंजरे में वह कबूतर फड़फड़ा रहा है। ये मकान मियां चिड़ी मार का है, आओ पूछें। दोनों मियां चिड़ी मार के घर के अंदर जाते हैं। मियां इस बेचारे कबूतर को पिंजरे में क्यों बंद कर रखा है? इसे आजाद क्यों नहीं कर देते? आमा मोटो मैं इसे खाऊंगा। इससे तो तुम्हारी दाढ़ भी ना गीली होगी। तुम इस कबूतर को छोड़ दो, मैं इसके बदले में तुम्हें एक मोटा ताजा जंगली बकरा दूंगा। उसको खाने से तुम्हारा पेट तो भरेगा। जंगली बकरा? और मियां चिड़ी मार कबूतर को उड़ा देते हैं। जाओ मियां कुटर को, अभी तुम्हारे कुछ दिन और बचे हैं। मियां बिल्लू कहाँ है वो जंगली बकरा? आओ मेरे साथ। और वो तीनों चल देते हैं। एक जगह पहुंचकर लो संभालो, मगर वो तो सो रहा है। जनाब कुंकर्णी नींद सोते हैं, जगाने के लिए एक जोरदार धमाका करना पड़ेगा। बिल्लू एक पटाखा लेकर बकरे के पास रख देता है और आग लगाते ही पटाखा जोरदार आवाज के साथ फट पड़ता है। धमाके की आवाज सुनकर बकरा दौड़ लगा देता है। आहा, रोको! लेकिन बकरा मियां चिड़ी मार के हाथ से छूटकर 9-2-11 हो जाता है। कबूतर और जंगली बकरा दोनों हाथ से गए। हाय!